आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज का हमारा विषय है पांडवों का सामयिक निवृत्ति। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध का 15वां अध्याय 15 चैप्टर। तो किस तरह युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडव जो घर में थे हस्तिनापुर में, तो अर्जुन को भेजा था द्वारका में कि जाके देखिए कि कृष्णा और जदुवंश अभी कैसे है, बोलो कुशल मंगल है कि नहीं। तो अनेक दिन तक 7 महीना बीत गया, लेकिन फिर भी अर्जुन आए नहीं। जब अर्जुन आए तो अर्जुन को प्रश्न किया, तो अर्जुन जवाब देने में हिचकिचा रहे। तो इसी विषय में आज का जो टॉपिक है, कैसे युधिष्ठिर महाराज घर परिवार त्याग देंगे और भागवत धाम जाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो अर्जुन को जैसे ही पूछा कि हे अर्जुन, आप मुझे बताइए कि हमारा प्रिय कृष्णा कैसे है, बलराम बाकी सब कैसे है, तो अर्जुन तो बहुत रो रहा था। तो रोने की ये भाव दशा को देखकर युधिष्ठिर महाराज कुछ इंडिकेट, उसको कुछ समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है। तो अर्जुन कृष्ण का बहुत ही अत्यंत प्रिय मित्र था, दोनों ही एक दूसरे का मित्र था। तो अर्जुन जैसे ही कुछ बोलने जा रहे थे तो उनका गला रुद्ध हो गया। अत्यंत कष्ट के साथ महाराज युधिष्ठिर को रोते रोते उनका उत्तर दिया, बोले कि महाराज आप जब प्रश्न किए तो मैं अत्यंत कष्ट के साथ ही आपको सूचित करने जा रहा हूँ कि मेरे द्वारा एक भी प्रश्न का उत्तर देना असंभव है, लेकिन फिर भी जब आपने कष्ट किया, आपने मुझे प्रश्न किया, तो ये मेरा धर्म है बताना। हे राजन, मैंने अभी अभी अपना प्रिय मित्र कृष्ण को खो दिया है। मुझे उनके बिना यह सारा जगत सुना सुना लग रहा है, शून्य लग रहा है उनके बिना, जैसे बिना शरीर के प्राण। एक शरीर में अगर प्राण जीवन न रहे तो शरीर का मूल्य क्या है। तो उनके बिना मेरा अभी शरीर, मेरा जीवन शून्य जैसा प्रतीत हो रहा है, बेकार लग रहा है, बेकार लग रहा है अपने आप को कि मैं क्यों हूँ इस जगत में। अभी तक मैं अब पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका हूँ भैया, मेरा कोई मूल्य नहीं जगत में रहने का। उन्हीं की कृपा से, उसी भगवान कृष्ण की कृपा से मैंने मदनमत कामनमत सारे राजाओं को परास्त किया था, विराट द्रुपद राजा के दरबार में, और समस्त राजाओं को परास्त करके मैंने मत्स के आंखों को भेदन करके द्रौपदी को जीता था, द्रौपदी को प्राप्त किए थे। एक इनकी कृपा थी, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की, वही हमारे साथ, वही हमारे पास अभी नहीं रहे। उन्हीं की कृपा से भैया भीम, जो 10,000 हाथी का बल मिला था, और जरासंध जैसे परम प्रतापी पराक्रमी राजा को भीम ने परास्त किया, दुर्योधन को मारा, ये सब उन्हीं गोविंद भगवान कृष्ण की कृपा थी। उन्होंने ही हमारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में लज्जित होने से बचाया था कि किस तरह दुशासन, कर्ण, दुर्योधन, बाकी सदस्य जो दुर्योधन के पक्ष में था, कैसे दुशासन ने द्रौपदी के बाल को खींचना चाह रहे थे, लेकिन कृष्णा, उसी कृष्णा की कृपा से, वही कृष्णा द्रौपदी की रक्षा की। और उसी दिन कृष्णा ने यह ठान लिया अपने जीवन में कि जिसने द्रौपदी के बाल को
स्पर्श किया है, द्रौपदी की चोटी को खोलने का दुस्साहस किया है। उनकी पत्नी उसी दिन उनका बाल खोल दी, मतलब उसी दिन कृष्ण ने उस अपने डायरी में लिख दिया कि यह सब विधवा होने वाला है। दुशासन की पत्नी, दुर्योधन की पत्नी, सब जितने सारे दुर्योधन के दल में हैं, उसी दिन कृष्णा ने डायरी में ना पॉइंट आउट किया कि ये सब की पत्नियां विधवा हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के बाल को, चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था। उन्हीं की कृपा से वनवास के समय युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन सब कुछ बता रहे, कृष्ण की महिमा को वर्णन कर रहे कि उन्हीं की कृपा से वनवास के दौरान जब दुर्योधन ने एक कूटनीति चाल कर कि दुर्वासा मुनि को हमारे आश्रम में भेजा था, जब हम लोग वनवास के समय थे तो दुर्वासा मुनि 60,000 ऋषियों के साथ, 60,000 शिष्यों के साथ हमारे आश्रम में पधारे थे। दुर्योधन का प्लान ये था कि दुर्वासा जाके मांगेंगे कि हमको कुछ खाने के लिए दो, और अगर युधिष्ठिर पांच पांडव बोलेंगे नहीं अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है तो दुर्वासा श्राप देगा, और जैसे श्राप देंगे तो वो सब भस्म हो जाएंगे। तो यही कूटनीति प्लान करके दुर्योधन ने दुर्वासा को वन में भेजा था वनवास के दौरान। तो उन्हीं कृष्ण की कृपा से दुर्वासा मुनि जो स्नान करने के लिए गया, युधिष्ठिर महाराज ने बोले ठीक है महाराज, दुर्वासा जी आप स्नान करके आइए, तब तक मैं रेडी कर रहा हूँ। तो द्रौपदी को आके युधिष्ठिर महाराज बोले कि द्रौपदी कुछ है क्या? बोले कि नहीं, हमारे पास जो अक्षय पात्र था, जिस अक्षय पात्र को कितना भी लोगों को खिलाए लेकिन वो कभी खाली नहीं होता, असंख्य अनंत लोगों को खिला सकते हैं अक्षय पात्र। तो किंतु अक्षय पात्र को अगर धो के बर्तन को मांझ के अगर उबड़ करके रख दिया जाए तो काम नहीं आएगा, ऐसे अगर रहेगा अक्षय पात्र तो उसमें लाखों लोगों को खिला सकते हैं, लेकिन उसको धो दिया रात में, 10 रात की बात है, डिनर पर साथ धोने के बाद अगर ऐसे करके रख दिया तो और कुछ चारा नहीं है उस दिन का, तो अभी क्या किया जाए। तो जो तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बुलाया, तो भगवान कृष्ण आए, बोले कि द्रौपदी देखो कि कुछ तो एक दाना होगा अन्न का, एक साग अन्न। बोले कि कृष्ण में पूरी तरह से मांझ के एकदम क्लीन किया। बोले कि फिर भी अब देखो कुछ ना कुछ होगा। तो द्रौपदी खुद अपने हाथों से मांझ के पूरा क्लीन किया था, लेकिन उन्हीं कृष्ण की कृपा से एक दाना और एक साग का दाना वहाँ पर मिला। कृष्ण जैसे खाए तो दुर्वासा मुनि जो यमुना में स्नान कर रहे थे अपने 60,000 शिष्यों के साथ, सबका पेट भर गया, वो ढेंकार मार रहे थे कि चलो पेट भर गया, अभी नहीं जाएंगे युधिष्ठिर के पास, अगर नहीं खाएंगे तो भीम हम लोग को जबरदस्ती खिलाएंगे, इसलिए बेहतर चलो अपने अपने आश्रम में चलो। तो उन्हीं कृष्ण की कृपा से दुर्वासा के उतने बड़े अभिशाप से हम सब मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से शिव जी मुझ पर एक बार प्रसन्न हुआ था। शिव जी मेरे साथ फाइटिंग करने के लिए आए थे। भगवान श्री कृष्ण का प्लान कि अर्जुन को भविष्य में महान युद्ध करना है, महान युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में उसको ये लड़ना है, तो उसको आप समस्त अच्छे अच्छे अस्त्रों से विभूषित कीजिए। तो भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि प्रभु हम मानते कि अर्जुन को देंगे, लेकिन उससे पहले मैं उनकी परीक्षा लूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि ठीक है आप परीक्षा ले सकते हैं। तो तब शिव एक व्याध के रूप में आया, और व्याध के रूप में आकर अर्जुन के साथ फाइटिंग कर रहे थे, और इतना फाइटिंग किया अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर सकता। वो इतना बल, मतलब इतना टेक्निकल कृष्ण का प्रिय सखा है। तो जब दोनों फाइटिंग चल रहा था, तीर मार रहे ये कर रहे, तो अर्जुन बहुत दूर फेंक दिया उसको शिव जी मतलब वो व्याध के रूप में है, शिव जी रूप में नहीं, तो अर्जुन को फेंक दिया। तो अर्जुन अभी मन ही मन सोचा इस संसार में परशुराम और भगवान शिव को छोड़कर दूसरा तो कोई नहीं हो सकता जो मुझे परास्त कर सके, कुछ तो डाउट है। तो वो व्याध को बोले एक काम कीजिए, मैं आपसे युद्ध करूँगा तो उससे पहले मैं भगवान शिव की पूजा करूँगा, भगवान शिव का पूजा करने के बाद मैं आपको
आपसे लड़ाई करूंगा, क्योंकि अर्जुन 1 घंटा 2 घंटा तक लड़ाई किए, अर्जुन को आज तक कोई परास्त नहीं कर पाए थे, कोई भी नहीं, एकमात्र शिव जी को छोड़कर कोई उसे परास्त नहीं कर पाएगा। तो उसको ये बात पता था कि एकमात्र शिव जी छोड़कर, परशुराम छोड़कर कोई उसे परास्त नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तब अर्जुन शिव व्यास को बोले कि एक काम कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, मैं थोड़ा भगवान शिव की पूजा करूँगा। तो अर्जुन क्या किया, अपने तलवार से मिट्टी को खोदा, मिट्टी को खोदने के बाद उसमें पानी मिलाया और पानी मिला के एक शिवलिंग की स्थापना की, शिवलिंग मिट्टी का शिवलिंग बनाया। ठीक है, शिवलिंग बनाने के बाद वन चले गए, वन के अंदर से फूल लाए, और फूल जैसे ही शिवलिंग पर दे रहे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो व्याध के चरणों में वो फूल गिर रहा। वो शिव जी के लिंग में, मतलब उस मिट्टी का जो बना हुआ उसमें फूल दे रहे, तो वो फूल गिर रहा है व्याध के चरणों में, तो आश्चर्य हो गया। तो इतना फूल आर ला रहे हैं, लेकिन उनके तब भगवान श्री कृष्ण दर्शन दिया, बोले कि अर्जुन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जिसको आप फूल चढ़ा रहे हैं यहाँ पर शिवलिंग पर, लेकिन वो फूल गिर रहा है उस व्याध के चरणों में, तो वो कोई दूसरा नहीं, वो तो साक्षात शिव है। तब अर्जुन हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके शिव जी से क्षमा प्रार्थना चाहा कि प्रभु मैंने बहुत बड़ा गलती किया कि आपसे मैं युद्ध किया, इसके लिए मेरे दृश्यता को क्षमा कीजिए। तो बोले कि अर्जुन कोई बात नहीं, ये तो आपकी महिमा है, ये तो मैं आप पर प्रसन्न होने के साथ आप मुझे परास्त किए, मैं आपको पाशुपत अस्त्र प्रदान करता हूँ। एक्चुअली शिव जी को परास्त नहीं किया, लेकिन फिर भी मान भक्त का ही क्वालिटी होता है, अर्जुन परास्त हुए ये शिव परास्त हुए, दोनों ही में कोई कम नहीं है। क्योंकि ये जो शिव जी को पूजा किया, तो शिव जी को पूजा करके शिव जी प्रसन्न होगा, तो प्रसन्न होने के बाद अगर वो फाइटिंग करेंगे उसी शिव से, तो शिव जी को हार मानना पड़ेगा, क्योंकि शिव की पूजा में इतनी शक्ति है। तो जब उन्होंने उनकी पूजा की, तब तो शिव, तो इसीलिए शिव जी बोले कि अर्जुन मैं परास्त हो गया आपसे, इसीलिए मैं प्रसन्न होकर मैं आपको अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान करता। तो अल्टीमेटली किसका पॉइंट था, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे कि भैया उन्हीं की कृपा से शिव जी ने प्रसन्नचित होकर मुझे पाशुपत अस्त्र प्रदान किए थे, और कौरव का जो अजय सैन्य, अजय मतलब जिसको जीत पाना अत्यंत कठिन, करोड़ों करोड़ों जनसंख्या, करोड़ों करोड़ों सैनिक, लेकिन सबको मैंने परास्त किया, किसकी कृपा से, एकमात्र भगवान कृष्ण की कृपा से, उन्हीं के कारण मैं समस्त राजाओं को परास्त करके उनके मुकुट लाए थे अश्वमेध यज्ञ राजसु यज्ञ के समय। एक अश्वमेध यज्ञ करने का अर्थ है समस्त राजाओं को परास्त करके उनको, जिस राजा का अश्वमेध यज्ञ होगा उसके चरणों में झुक जाना है। तो वो तभी हो सकता है जब समस्त राजा अपना अपना मुकुट महाराज के चरणों में रखे। तो उन्हीं की कृपा से मैंने जब पूरा विश्व भ्रमण किया, तो सभी राजाओं को परास्त किया और सबका मुकुट आपके चरणों में डाल दिया, युधिष्ठिर महाराज के चरणों में। लेकिन हे भैया, हे मेरे प्राण, मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर महाराज, वही कृष्णा, वही सर्वशक्तिमान भगवान अब हमारे साथ नहीं रहे, उन्हीं कृष्ण की कृपा से युद्ध क्षेत्र में कोई मेरा बाल तक बांका नहीं कर सका। जैसे प्रह्लाद महाराज को साक्षात नृसिंहदेव रक्षा किए, असुर लोग हिरण्यकशिपु कितना चेष्टा किया प्रह्लाद महाराज को मारने का, कितना प्लान किया, लेकिन सभी परास्त हो गए, लेकिन प्रह्लाद महाराज का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो उसी तरह इतने सैन्य सामंत होने के बावजूद भी कौरव या बाकी राजा या बाकी शत्रु मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि कृष्णा हमारे साथ थे। तो वही कृष्णा अब हमारे पास नहीं रहे। मैं जब द्वारका से लौट के आ रहा था हस्तिनापुर, तो सामने में कुछ ग्वाले मिले, साधारण ग्वाले, वो मुझको रोक लिया और मेरे साथ युद्ध करना चाहा, और वो सब मुझे परास्त कर दिए। हे भैया, अब मैं बलहीन हो चुका, सामान्य ग्वाले
जो मुझे परास्त किया। वही रथ था जिस रथ में मैं युद्ध करता था, करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लोगों को मैं परास्त किया। वही धनुष, वही बाण था और वही अर्जुन। लेकिन वो अर्जुन अब नहीं रहा भैया, जब तक कृष्ण मेरे साथ थे तब तक हम शक्तिशाली थे, लेकिन अब मैं शक्तिहीन हो चुका हूँ, बलहीन हो चुका हूँ। हे राजन, चूंकि आपने द्वारका वासियों के बारे में पूछा तो मैं ये सूचित करना चाहूँगा कि ब्राह्मण के श्राप से जदुवंश, ब्राह्मण के श्राप के कारण वो जदुवंश सड़े हुए चावल का नशा, शराब पीकर, जिसे लोकल लैंग्वेज में बोलता है हाड़िया बोलते हैं, सड़े हुए चावल को रानू देकर कैसे क्या बनाया जाता है और उसको पीते हैं तो उसमें नशा चढ़ता है। तो अर्जुन ये सब पॉइंट आउट करके, द्वारका में ऐसा घटना हुआ कि जो पहले 2-3 दिन का पोचा बासी भात होता है, तो बासी वो जो राइस है वो सड़ा हुआ, उसको पानी में डालकर उसका शराब तैयार होता है हाड़िया। वो शराब को सभी पिए और पीने के बाद एक दूसरे को ना पहचानने के कारण एक दूसरे पर वो लाठी मारा, प्रहार, तलवार, लूट में ऐसे करके सभी बाकी 4-5 व्यक्ति छोड़कर अन्य सारे लगभग मर गए, सभी एकदम खत्म हो गया, एकमात्र 4-5 व्यक्ति को छोड़कर। अब मैं भगवान द्वारा दिए गए उसी उपदेश, जो भगवत गीता या भगवान श्री कृष्ण मुझे विभिन्न जगहों में विभिन्न समय में मुझे जो उपदेश प्रदान किया, उसी को स्मरण कर रहा हूँ और अपने जीवन में मैं अभी परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान अब हमारे साथ नहीं रहे। तो इसमें अर्जुन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चले, भगवत धाम चले गए, लेकिन फिर भी अर्जुन ये सब बात युधिष्ठिर महाराज को रो रो के बताया, लेकिन फिर भी वो तुरंत अपने माइंड को कन्वर्ट कर दिया। कैसे संभव हुआ? बोले कि मैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेश को अपने जीवन में आचरण कर रहा हूँ और उसको स्मरण करके अपने जीवन को धन्य कर रहा हूँ। इसका मतलब भगवान का उपदेश क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, जो भगवान के लीला कथाओं से भरा हुआ है। तो अर्जुन अपने मन को शांत करने के लिए इस तरह बोले कि उन्हीं भगवान कृष्ण के दिए गए उपदेश को मैं स्मरण कर रहा हूँ और अपने जीवन में परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सधाम गमन को सुनकर ये सब अर्जुन व्यक्त कर रहे युधिष्ठिर महाराज को। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत ही अच्छी तरह लिखे कि हम सबको भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्णा हमारे साथ नहीं है। यद्यपि कृष्ण चले गए लेकिन फिर भी अर्जुन को आनंद आ रहा था, क्यों? क्योंकि अर्जुन को पता था कृष्ण का उपदेश और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। इसी तरह हर भक्त को ये समझना चाहिए कि कृष्ण का उपदेश भगवद्गीता भागवतम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं, उसका उपदेश पालन करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, जैसे अर्जुन ने किया। और हमारा जो पंथा है महाजन जैन गतो सो पंथा, जो महाजन, जो बड़े बड़े आचार्य, महान भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त जो कर चुके हैं उन्हीं को फॉलो करना अपने जीवन में, हम लोग सक्सेस, सफल हो जाएंगे भक्ति जीवन में और किसी भी क्षेत्र में। तो ये सब जब अर्जुन के मुख से सुना भगवान कृष्ण की, ये सब जदुवंश कैसे 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 मतलब चल बसे, कैसे लूट मार पीट करके सभी मर गए और भगवान भी अपने धाम को चले गए, तो सामने कुंती भी सुन रही थी ये सब बात। तो महारानी कुंती ये सब बात सुनकर, उपदेशों को सुनकर, भगवान श्री कृष्ण जो उनको अपने जीवन में कितना उपदेश दिए थे वो सब याद करते करते, स्मरण करते करते, आवागमन, ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, आवागमन से मोक्ष को प्राप्त किया, मुक्ति को प्राप्त, मतलब वो भी अपने शरीर को त्याग दिया भगवान कृष्ण का उपदेश श्रवण स्मरण करते करते। तो महाराज युधिष्ठिर को वो नारद मुनि की वो बात याद आई कि नारद मुनि जब युधिष्ठिर महाराज ने
जिज्ञासा किया कि हे प्रभु, हे नारद मुनि, हे देवर्षि नारद, पता नहीं मेरे ताऊ धृतराष्ट्र, माता गंधारी और विदुर चाचा वो लोग कहाँ चले गए, आप मुझे बताइए। तब नारद मुनि जो युधिष्ठिर महाराज को बताया था कि आप चिंता मत कीजिए कि वो सब उत्तरी की ओर हिमालय की ओर चले गए हैं और योग अभ्यास कर रहे हैं आपका ताऊ, और 5 दिन के अंदर वो अपना शरीर को त्याग देंगे और भगवत धाम को चले जाएंगे, तो इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। और आप सब 5 पांडवों को भी तब तक रहने का ये है जब तक भगवान कृष्ण धरा में है। भगवान श्री कृष्ण जैसे चले जाएंगे आप लोग भी अपना लीला समाप्त कर सकते हैं, इंडिकेशन दिया था नारद मुनि पहले। तो युधिष्ठिर महाराज को ये सब बात याद है, जब अर्जुन के मुख से ये सब सुना कि भगवान श्री कृष्ण चले गए अपने स्वधाम, तो युधिष्ठिर महाराज भी अपना निर्णय ले लिया, विचार कर लिया कि मैं भी भगवत धाम चलने के लिए भगवत धाम जाने का निर्णय किया। तो भगवत धाम जाने का निर्णय, आज का टॉपिक क्या है, पांडवों का सामूहिक निवृत्ति, कहने का अर्थ गृह त्याग। तो जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का अप्राकट, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण इस जगत को छोड़ दिए, उसी दिन से कलियुग का अशुभ लक्षण प्रकट हुआ, लालची, लूट, मार, चोरी, डकैती। तो ये सब युधिष्ठिर महाराज इतना बुद्धिमान थे, ये सब चीज़ को समझ गए, और महाराज युधिष्ठिर अत्यंत बुद्धिमान थे, कलि के इस समस्त प्रभाव को, असत्यता, धोखा, चीटिंग, प्रोपेंसिटी, ये सब को जान लिया। तो बोले कि बेहतर है अभी घर को छोड़ देना, क्योंकि अभी समाज में रहेंगे तो चोरी, डकैती, ये सब चीटिंग, कपट, हम फंस जाएंगे, मेरा जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। और गुरुदेव के अनुसार, नारद मुनि के अनुसार अभी हमारा समय है ये परिवार को त्यागने का, शरीर को त्यागने का, क्योंकि उन्होंने बोले कि आप पांडवों का तब तक अधिकार है यहाँ पर रहने का जब तक कृष्ण इस धरा में है। तो धरा को छोड़ दिया कृष्ण, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर परिवार में रह के। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज अपने माइंड को प्रिपेयर किया और घर छोड़ने का प्लान किया। तो घर छोड़ने से पहले उन्होंने महाराज युधिष्ठिर क्या किया, संपूर्ण पृथ्वी का जो सम्राट थे युधिष्ठिर महाराज, वो अपने पोते, कहने का अर्थ है अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित महाराज, तो उन्होंने अपने पोते परीक्षित महाराज को राज्य में सम्राट राज सिंहासन में उसे आभूषित किया, उसको अभिषेक किया गया, राज्याभिषेक, और उनको राजा बना दिया। और राजा बनाने के बाद युधिष्ठिर महाराज अपने जो राजसीय वेश थे, आभूषण, अलंकार, मुकुट, ये सब त्याग दिया और वनवासी लोग जैसे होते हैं, वन जाने का जो ड्रेस है, साधारण उत्तरी वगैरह, ये सब पहन लिया और वन जाने के लिए वो लोग रेडी। वन मतलब कहाँ गए, वो सीधा चल चल के उत्तरी हिमालय की ओर चले, और इसके बाद कल टॉपिक आएगा वो लोग कैसे क्या किया। तो आज का हमारा यही था, सारे पांडव, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रौपदी सभी जाएंगे अभी अपना स्वर्गारण पंथ, हिमालय की ओर जाएंगे, और कैसे एक एक करके गिरते गिरते एकमात्र धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जाएंगे भगवत धाम। खैर ये सब आएगा टॉपिक। तो आज का हमारा श्रीमद् भागवतम के सत्र में, श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंध के 15वें अध्याय का टॉपिक था, तो आज पूरा हुआ। कल आप लोगों से हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हमें विदाई दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर मानंद। और अगर इस विषय में किसी का कुछ प्रश्न हो, कुछ कमेंट हो, तो आप या तो चैट इनबॉक्स, यूट्यूब का चैट में भी रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसमें भी, या ईमेल नंबर है, ईमेल jagannath10@gmail.com, उसमें भी आप लोग अपना प्रश्न या अपना कमेंट लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।